आज हम बात करने जा रहे हैं माइक्रो स्प्रिंकलर के बारे में। माइक्रो स्प्रिंकलर के जरिए हम बहुत ही अच्छी तरह से सिंचाई का काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि इसकी फिटिंग किस तरह से की जाती है। ये माइक्रो स्प्रिंकलर है। ये माइक्रो स्प्रिंकलर को लगाने से पहले हमें जो मेन पानी का जो सप्लाई लेना पड़ता है, वो हम इस तरह से वाल से सप्लाई चालू करते हैं, जहाँ से कि हमारा जो पानी है वो मेन पाइप से हमारे सब पाइप में आ सकता है। ये हमारा सब पाइप है जिसके ऊपर में हमें आगे जाके लैटर के लिए होल बनाना है, जिसके जरिए हमें जहाँ जहाँ भी माइक्रो स्प्रिंकलर चाहिए उस दूरी के हिसाब से हम उसके ऊपर में छेद करके हमारे लैटर के पाइपलाइन निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, इस तरह से होल बनाने के बाद में हम लैटर का इस तरह से उसमें फिटिंग कर देते हैं, जिससे कि जो हमारी जो लैटरल जाती है उसके ऊपर में हमें जहाँ भी माइक्रो स्प्रिंकलर लगाना है वहाँ पे छेद बना के हम उसके ऊपर में हमें जितनी चाहिए उतने माइक्रो स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। ज़्यादा दूरी पे माइक्रो स्प्रिंकलर लगाने से बीच में हमें थोड़ा अंतर कम हो सकता है, इस कारण से हमें जो स्प्रिंकलर लगाने हैं माइक्रो स्प्रिंकलर वो थोड़ी नज़दीक लगाना है, जिस कारण से हमें अच्छी तरह से उसमें बारिश का एहसास दिला सकती है। ये है माइक्रो स्प्रिंकलर। तो इसको जो लगाते हैं, ये ट्यूब है जो कि हमारे लैटर से माइक्रो स्प्रिंकलर में पानी लाने का काम करती है। इसको लगाने का तरीका एकदम आसान है। इसको सीधी तरह से सिर्फ घुमाना है, जिससे ये पूरी तरह से फिट हो जाता है। इसमें चूड़ी लगी होती है, इस कारण से ये प्रेशर के बढ़ने के बावजूद ऊपर नहीं उड़ता है और हमारे लिए कोई दिक्कत पैदा नहीं करता है। इस तरह से हम इसको फिटिंग कर देते हैं। एक बार फिटिंग करने के बाद में अगर उसमें कुछ थोड़ा अगर कचरा आ जाए तो ही वो उसमें प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज़ हमें उसको बदलने की ज़रूरत नहीं रहती है। लैटर को अटैच करने के लिए हमें ये एडिशनल लगाना पड़ता है, जिससे एक तरफ में हमारे ट्यूब को ये लगा हुआ होता है और दूसरी तरफ से वो लैटर में हमारे जो छेद किया रहता है उसके अंदर में वो फिट हो जाता है। इस तरह से हमारी ये स्प्रिंकलर की ट्यूब रेडी हो चुकी है। अब इस ट्यूब को हम अच्छी तरह से एक सरिया के जरिए ऊपर रहे, उसका मुंह ऊपर रहे, क्योंकि जब वो फिर घूमेगा तो उसमें को जो आधार चाहिए उसके लिए हमें एक सरिया ज़मीन में गाड़नी पड़ती है, उसके ऊपर में उसको सिर्फ हमें फिट करके देना है। ये एकदम सिंपल काम होता है। बस हो गया, और इसको हम इस तरह से हमारे लैटर में लगा देते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे लगाते हैं इसको। ये हमने छेद बनाया है लैटर को और इसके अंदर में ये ट्यूब का हमने अटैचमेंट लगा दिया है। हो गया, और इसको ये सरिया गाड़ी हमें जितनी ऊंचाई पे लगाना है उतनी ऊंचाई पे हम उसको रख सकते हैं, कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और एक तार के जरिए से हमने उस स्प्रिंकलर को अच्छी तरह से लगा दिया है। इसी तरह से एक एक करके हमें सभी स्प्रिंकलर को लगा देना है। ये माइक्रो स्प्रिंकलर इतने बारीक पानी की फवारे फेंकता है कि जिस वजह से हमारी जो सब्जियां रहती या फिर हम जो भी रोप डालते हैं उसके ऊपर में, उसके लिए वो अच्छे फायदेमंद होते हैं। अभी ये पूरी तरह से लगाने के बाद में जहाँ भी देख सकते हो कि आप, हमने इसमें बहुत सारे माइक्रो स्प्रिंकलर लगा दिए, बाकी जगह पे हमें अभी काम नहीं है तो हमने बाकी जगह पे इसको नहीं लगाया है। तो बाकी के जो छेद रहेंगे, तो सबसे पहले जब हम पानी चालू करते हैं तो पानी चालू करने से पहले इसमें अगर कोई हमारा जो पाइपिंग किए है उसके अंदर में जो कचरा रहता है उसको बाहर निकालने के लिए हमें एक तो उसका एंड पाइप भी यूज़ करके रखना पड़ता है, और दूसरा जो है कि हमें जो फ्लशर रहता है वहाँ से वो गंदा पानी निकाल देना पड़ता है, जिस वजह से हमारे जो स्प्रिंकलर रहते हैं वो स्प्रिंकलर में कचरा ना अटके। तो ये एक बार हमने अगर इसको फ्लश कर दिया है तो उसके बाद में उसको फ्लश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये भी हमारे माइक्रो स्प्रिंकलर ने वर्क करने चालू कर दिया है। देखिए इसकी फवारे,
एकदम बारीक बारिश की जरह ये पानी अपनी मिट्टी के ऊपर में हमेशा पड़ता रहता है। इस तरह से सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में जुड़ी रही है। थैंक यू।